Assalamualaikum and welcome to Game Set Match, another day and the sixth day of HBL PSL season 7. और बड़ी तेजी से दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त मुकाबले हो रहे हैं, क्योंकि कल जो मुकाबला हुआ भाई, क्या वो पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूम रहा था, उस पर भी बात करेंगे. बट आज जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स, दो ऐसी टीम्स आमने सामने होंगी जहाँ मुल्तान सुल्तान ने तो अपना धावा बोल दिया है और पता है कि मुल्तान सुल्तान बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेल रही है, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच खेल के काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है. आज किस तरह परफॉर्म करते हैं वो देखना है, सो डिस्कशन होगी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको. और वाकई जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, कुफर आकर टूट ही गया खुदा खुदा करके और बिलाखिर Yes. A team has been, I mean, वो जो एक चलते जा रहा था, टॉस जीत रहे हैं, मैच जीत रहे हैं, टॉस जीत रहे हैं, चेस करें. Finally, a team has failed to chase. But what a game! I think मेरे ख्याल से अब तक का ऐसा seesaw battle जो कि हमने अभी तक PSL में नहीं देखा था, कल हमने पहली बार देखा. Quite a gladiator, absolute heartbreak for them. लेकिन मुल्तान सुल्तान, हम हर प्रोग्राम में ही जो भी हमारा मुल्तान सुल्तान के अलावा गेस्ट आ रहा है, मुझसे यही बात कर रहे हैं, भैया कैसे रोकोगे इनको, कैसे इनको. कल उन्होंने आई थिंक 50% काम तो कर दिया था, अरे रोक लिया था. मतलब इससे अच्छी उनको टेलर मेड पोजीशन इससे अच्छी नहीं मिल सकती थी कि रिजवान को डक पे आउट करना. ये रोज रोज की कहानी नहीं होती, और जब वो हो गया तो आई सेट कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ना, वो सही बिल्कुल शुरुआत हुई. और सरफराज शोर भी नहीं कर रहे थे, सिचुएशन कंट्रोल में लग रही थी, वो कहते हैं ना. लेकिन अब तो वैसे हम शान के बारे में ये भी नहीं कह सकते थे कि वो कोर्स से बाहर, यानी तैयारी हम रिजवान की गए थे और कोर्स में जो है वो शान आ गया. बिकॉज शान हैज बीन स्कोरिंग रेगुलरली नाउ. पिछली PSL उठा लें, इस PSL को देख लें, पाकिस्तान की लिस्ट ए परफॉर्मेंस को देख लें, शान हैज बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी. और जब कभी भी कोई हमारे पास अरबाब इख्तियार PCB के आएंगे तो फिर हम उनसे ये बात जरूर करेंगे कि क्या शान इज ही नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ पाकिस्तान. लिमिटेड ओवर साइड मैच की समरी सवेरा हम देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा. और अदील, एट लास्ट आप ये कह सकते हैं कि कोई टीम रन से जीती है, विकेट से नहीं जीती. कुछ चेंज हुआ, हमारी टीम भी एक ही, हमारी टीम है ना, वो एक ही टेम्पलेट यूज कर रही होगी. आज उन्हें भी टेम्पलेट नीचे से चेंज करना पड़ा होगा. उसको हुआ कुछ इस तरह की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता और मुल्तान सुल्तान को पहले खेलने की दावत दी. मुकर्रर 20 ओवर्स में स्लाइटली अंडरवेलमिंग स्कोर 175/4. डेफिनेटली ये मैच विनिंग टोटल नहीं था. अशान मसूद तहाम बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ही इज द हाईएस्ट रन गेटर इन दिस टूर्नामेंट सो फार. 58 गेंदों पे 88 रन उन्होंने बनाए. टिम डेविड सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी, अच्छी कैमियो उन्होंने एंड में खेली, 16 गेंदों पे 28 रन. एंड रायली रूसो 19 गेंदों पे 21 रन बनाकर आउट हुए. मोहम्मद हसनैन ने दो विकेटें हासिल की. जेम्स फोकना वॉज वेरी माइजरली, और रिजवान और फोकनर दोनों ने चीज़ों को काफ़ी टाइट रखा. बट द ओल्डी इन द साइड सुहेल तनवीर वेंट फॉर सम रन 36, और कोई खिलाड़ी भी आउट करने में कामयाब नहीं हुए. जवाब में अगर हम बात करें ग्लैडिएटर्स की, तो उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था. इनफैक्ट इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द कैप्टन टू स्टार्ट बॉलिंग विद खुशदिल शाह. आप जनरली एसोसिएट शायद ना करते हो, लेकिन उन्होंने आते ही अपने पहले स्पेल में दो अहम विकेटें हासिल भी की, और जिसमें ऑफकोर्स विल स्नीड, हु हैज लुक्ड रियली गुड, उनकी विकेट भी हासिल की. बहरहाल जी, बेन डकेट्स ने कुछ रन स्कोर किए, विकटें अपनी लूज करते जा रहे थे. बेन डकेट्स और सरफराज के दरमियान एक रीजनेबल पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन रन रेट दे वर नॉट एबल टू स्टॉप. इफ्तिखार आए जिन्होंने रन रेट को जो है पुश किया. लॉट ऑफ पीपल वुड से कि इफ्तिखार को यह मैच फिनिश करना चाहिए था, वो ऐसा नहीं कर सके. आखिर में मौका जरूर मिला जेम्स फोकनर को, अनफॉर्चुनेटली ही गॉट रन आउट. और इवेंचुअली जो है वो आखिरी खिलाड़ी नसीम शाह ने एक छक्का मारने की कोशिश की. एंड व्हाट अ कैच बाय टिम डेविड, ब्यूटीफुल कैच दैट वाज बाय टिम डेविड. मैं तो कल ही मजाक से कहा था, सिंगापुर की तारीख का बेहतरीन तरीन कैच जो है वो ये लिया गया है, बिकॉज वहां ज्यादा क्रिकेट तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी. एंड एवरीथिंग दैट ही वॉज, आई थिंक ये आखिरी कैच ही हमें बता रहे हैं कि वो हमें दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर. जस्ट चेक दिस थिंग आउट, सवेरा अमेजिंग. आई थॉट कोयटा वन देयर. बिल्कुल, वो कोयटा ने सेलिब्रेशन स्टार्ट करी थी. आई वॉज टॉकिंग टू द टीम मैनेजर टुडे एंड ही सेड वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, राइट, एंड देन व्हाट हैपेंड एवरीवन नोस के क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. और टिम डेविड ने भी जो है ना, वो थोड़ा टाइम लेके इस बात को रियलाइज किया कि भाई फेंक दो बॉल, मैं पीछे जाने लगा हूं और मेरा पांव जो है वो लग जाएगा बाउंड्री की स्कर्टिंग्स पे. और मुझे चेक आउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे, कि जब सरफराज की मैं क्या बोलूं जी, नाराजगियां उनकी अदाएं और ये बातें. वैसे ये एक बार फिर से जी हम ये रिप्ले दिखा रहे थे, एंड फॉर अ मोमेंट के मेरे घर में कोयटा के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो उसे कह रहे थे देखें गौर से, देखें शायद पांव लग रहा हो इनका स्कर्टिंग के साथ. मैंने कहा बेटा बहुत क्लीन कैच लिया है,
ये आउट हो गए, योर टीम हैज लॉस्ट द मैच। तो फादर एंड सन दोनों भी टीमों के हालात जरा सब पतले चल रहे हैं, लेकिन अब क्वेटा की टीम के क्या एहसास थे? हमारे साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर भी मौजूद हैं सवेरा, आप क्या एहसास थे, क्या जज्बात थे? और ऐसा लगता है जो खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जिस वक्त वो अच्छा खेलते हैं, एक अच्छा स्टार्ट देते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपने पार्टनर विल स्मिथ के साथ मिलकर, तो उस वक्त क्वेटा बहुत ज्यादा कंपोज लगती है और बहुत ज्यादा अच्छे फ्लो में रखती है, क्योंकि जब एक ओपनर एक अच्छा स्टार्ट दे देता है तो जरा मोमेंटम बेहतर हो जाता है टीम का। सो हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अली, द ओपनिंग बैटर ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एहसान, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम एहसान, सबसे पहले तो जबरदस्त परफॉर्मेंस, शुरू के दो मैचेस में 50s हाफ सेंचुरी की, पिछले में भी काफी तेजी से आपने 24 रन बनाए, मगर ऐसा लगता है कि टीम बहुत ज्यादा अब ओपनिंग स्टैंड्स पे डिपेंड करने लगी है। आपके लिए और विल स्मिथ की परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग परफॉर्म करेंगे तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत जरूरी है वो। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह ने अच्छी फॉर्म लगाई हुई है, माशाल्लाह रन्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी टीम माशाल्लाह बैटिंग में काफी बैलेंस है। वो तो कल हार्ड लक हो गया, लेकिन कल उम्मीद थी कि जीत जाएंगे क्योंकि कभी अप कभी डाउन चल रहा था, लेकिन वो जब आउट हुआ थोड़ा होता है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमबैक करेगी हमारी टीम। एहसान, आपने विल स्मिथ के साथ आपकी जो पहले दो मैचेस में, कल तो अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, अब जाहिर है आप पहली दफा उनके साथ, एक पाकिस्तानी फैंस के लिए भी एक ये नया नाम था और जाहिर है आपके लिए भी पहली बार खेल रहे हैं, कैसा पाया आपने उनको एज एन ओपनिंग पार्टनर अभी तक? उनके साथ बैटिंग करके काफी अच्छा लगा था, क्योंकि मेरी मुहिम भाई ने पहले उनसे बात कर ली थी कि इनसे आप अंडरस्टैंडिंग कर लें अपनी, आपने इनके साथ ओपनिंग करनी है, तो जो प्रैक्टिस सेशन थे हमारे उनसे मेरी अच्छी बात होती रही, उनसे काफी अच्छी बात फ्रेंडशिप चलती रही, और जब बैटिंग उनके साथ करता रहा तो उनके साथ बैटिंग करते इतना इशू कोई नहीं हुआ, तो उनसे जब भी उनके साथ बैटिंग करता हूँ तो काफी रिलैक्सेशन के साथ करता हूँ, उनकी कॉलिंग, उनके साथ शॉट्स की अप्रिसिएशन, तो काफी अच्छा लगा उनके साथ खेल के। अच्छा एहसान, पिछले मैं PSL की बात करूँ, उस वक्त इतना फ्लो नहीं था आपकी बैटिंग में, स्टार्टअप इतना अच्छा नहीं मिलता था, बट इस साल जब कायदे आजम ट्रॉफी में एहसान अली जिस तरह आपने ट्रिपल सेंचुरी की, नॉट आउट रहे ट्रिपल सेंचुरी करते हुए, उसके बाद से जो आपकी बैटिंग का फ्लो आया है, आपको खुद भी फर्क महसूस होता है, खुद भी डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि काफी चेंजिंग आई है बैटिंग में, क्योंकि काफी वर्क किया था इस पे कि जो आपके शॉट्स हैं उसी को मैंने अप्लाई किया, क्योंकि पहले ये था कि ज्यादा लंबा खेलने की कोशिश किया नहीं करता था, तो जो सेकंड 11 में गया ग्रेड 2 में, तो वहाँ मैंने 200 किए थे, तो उसके हिसाब से काफी मतलब खेलने का मौका मिला, और फिर 303 में जब बैटिंग करने गया था तो उसमें आइडिया नहीं था कि बैटिंग जब करता गया तो फिर लंबे से लंबा खेलने का दिल करता रहता था, क्योंकि फिटनेस अपनी बेहतर की, तो फिटनेस बेहतर करने से काफी फायदा हुआ था मुझे। इसका मतलब जो हम डोमेस्टिक इस दफ़ा बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि क्या आसान पिचेस बना दिए हैं, बैटर्स डबल सेंचुरियाँ कर रहे हैं, ट्रिपल सेंचुरी दो हो गई, और बड़ा भाई बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, अब यहाँ मुझे देख के ये अंदाज़ा होता है कि शायद ये सही डिसीजन था, बिकॉज हमारे बैटर्स को लंबी बारी खेलने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है। आप सही कह रहे हैं, लंबी बारी खेलने का तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लंबी बारी खेलने से ही आप वो प्रेशर हैंडल किया जाता है, इससे लंबी बारी खेलने से आपको काफी पिचेस डिफिकल्ट मिलती हैं, तो डिफिकल्ट पिचेस खेलने में ही फायदा मिल जाता है आपको कि आगे मैचेस खेलने में आसानी हो जाती है, जैसे PSL मैचेस काफी प्रेशर वाले होते हैं, तो यहाँ खेलने का मौका आसानी से मिल जाता है। अच्छा एहसान, हमने ट्विटर पे लोगों को ये भी बोला हुआ है कि आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तो कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं जो कि वील बी थ्रोइंग टू यू, डोंट वरी, कोई बहुत मुश्किल सवाल आपसे हम नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल जो ऑलरेडी मेरे पास आ गया है और मेरे ख्याल से आपसे ये सवाल काफ़ी पूछा जाता होगा, सरफराज की कप्तानी में खेलना, सरफराज एक बहुत एनिमेटेड कप्तान है, यानी कोई सी भी छोटी सी मिस्टेक हो तो जहाँ गुस्सा करने में आ गए हैं, वहाँ पे मोहब्बत और प्यार करने में भी बहुत आ गए, और अब सरफराज की कप्तानी में बहुत क्वेटा ग्लैडिएटर के अलावा सिंध की में आप सरफराज की कप्तानी में खेलते रहें, तो सैफी भाई कैसे कप्तान है, ज़रा उनके बारे में आप लोगों को बताएं, और ये ज़रा गलतफहमी तो दूर करेंगे, वो सिर्फ डांटते ही रहते हैं लोगों को। नहीं, मेरे सर क्लब मेट हैं, क्लब में भी इनके अंडर खेलता हूँ, फिर हमारी सिंध की टीम है, सिंध की 20 फर्स्ट क्लास, और PSL में भी काफी उनके साथ खेला हूँ, पिछले 2 सालों में भी खेला था, बीच में गैप आया, लेकिन वो काफी अच्छे इंसान है, काफी अच्छे कप्तान भी हैं, जो लोगों की राय है ऐसा कुछ नहीं है, काफी मतलब उनसे खेल के मजा भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, वो काफी प्रेशर से निकालते भी हैं और काफी कॉन्फिडेंस देते हैं, जैसा लगता है वैसा होता नहीं है, तो मतलब उनके साथ खेल के काफी बंदा रिलैक्स रहता है। चलें, वेरी नाइस। अच्छा सॉरी, प्लीज सवेरा कैरी ऑन।
सर विव रिचर्ड्स इधर आ गए हैं अभी इस वक्त अपना वो आइसोलेशन पीरियड पूरा कर रहे हैं. एहसान कितना कितना इम्पॉर्टेंट है कितनी इम्पॉर्टेंट है उनकी प्रेजेंस. डगआउट में बात करूं तो डगआउट में कितनी इम्पॉर्टेंट है स्पेशली इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है कितना ज़्यादा वो बात करते हैं प्लेयर्स से. मैं आपको बताऊंगा 2019 में हम जीते थे PSL ट्रॉफी तो तब वो मेंटोर थे हमारे तब मैं भी उस टीम में था तो अच्छा काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रही थी. लेकिन उनके साथ खेल के काफी मजा आता है यानी कि आपको ऐसा बकअप करते हैं आपको ऐसे हक करते हैं कि आपको लगता नहीं कि इतने बड़े प्लेयर होंगे या इतने बड़े वो हैं तो आपको जैसे समझाते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस मिलता है. जब बैटिंग पे जा रहे होते तो कहते हैं कि आप अपना गेम खेले डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डरेंगे तो आप खेल नहीं पाएंगे. तो उनके साथ ये है काफी कॉन्फिडेंस मिलता है जाते साथ ही आपको बैटिंग में जाके आपको इतने रिलैक्स कर देते हैं कि आप जब पिच पिछले PSL के मुकाबले में यू हैव गेन्ड सम वेट. क्या कुछ मसल वसल बना रहे हैं बॉडी बिल्डिंग हो रही है जिम को ज्यादा टाइम लगा रहे हैं या कुछ कोविड वेट है या कुछ कढ़ाई खानी ज्यादा शुरू कर दी है इन लोगों ने या रोटी गैंग का हिस्सा बन गए. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम नॉट. आप कहें नहीं आदिल भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा वेट जैसा 2 साल पहले था अभी तक वैसे ही है या कुछ बड़ा है वेट. नहीं वेट बढ़ा नहीं क्योंकि फिटनेस को बेहतर किया. जो पहले ये था कि लॉन्ग रनिंग कर नहीं पाता था लंबी इनिंग खेल नहीं पाता था तो वेट कम नहीं किया लेकिन उसको उसमें इतनी स्ट्रेंथ बढ़ दी और इतनी रनिंग लंबी की है ज्यादा और वेट लिफ्टिंग इतनी नहीं लेकिन उसमें ट्रेनिंग बहुत ज्यादा की है मैंने. जो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करने से लंबी इनिंग खेलने में और ग्राउंड में लंबा रहने में काफी फायदा हुआ है. जैसे आपने बताया मैंने 300 किया था तो 300 से पहले मैं 3 दिन का लगातार मैच खेल के आया था ग्रेड 2 में और उसी शाम को मैंने फिर फर्स्ट क्लास ज्वाइन की थी तो 7 दिन लगातार मैंने मैच खेला था जिसमें 303 नॉट आउट किए थे और उसमें ग्रेड 2 में ईच इनिंग 100 करके आया था मैं. बिल्कुल बिल्कुल. बट एहसान अभी अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस देखती हूँ HBL PSL 7 में सो इट इज बीन मतलब आपने जो है पहले मैच में जिस तरह परफॉर्म किया दूसरे मैच में जिस तरह परफॉर्म किया फिर थर्ड मैच में ठीक है क्विक मैंने कहा ना क्विक 24 रन्स बनाए बट फिर भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस थी. 3 मैचेस में 154 रन्स और 73 आपका बेस्ट था 77 की एवरेज से आप खेल रहे हैं. बट अगर मैं आपसे पूछूं HBL PSL 7 का क्या गोल है एहसान अली के लिए तो क्या वो इंडिविजुअल गोल है या वो टीम गोल है. पहले तो मैं सोच के आया था कि जो मेरी फॉर्म लगी है अगर उसमें मौका मिले तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मायूस ना करूं टीम मैनेजमेंट को जो पिछले बार नहीं खेल पाया तो कोशिश यही थी कि उनको मायूस ना करूं. लेकिन जब पहले मैच में अच्छा स्टार्ट मिला तो फिर उसके बाद मेरा गोल यही था कि अब इसको कंटिन्यू करना है और बेस्ट बैट्समैन की तरफ जाना है तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जो कल के मैच हुआ कोशिश करूंगा कि अगले मैच में इससे बेहतर खेल के पेश करूं और मैं टीम को जितवा के बेस्ट रन की तरफ जाता रहूं टॉप स्कोरर की तरफ. अच्छा भाई अब आपके माशाल्लाह टीम में री इन्फोर्समेंट आ रही है वेस्ट इंडीज इंग्लैंड सीरीज खत्म हो गई है दो बड़े धुआंधार बल्लेबाज अब क्वेटा ग्लैडिएटर में लैंड कर रहे होंगे. अच्छा जेसन रॉय आपकी पोजीशन पे ही खेलते हैं ओपन ही करते हैं और स्मीड भी ओपन कर रहे हैं जिनका भी बल्ला अच्छा चल रहा है आपका भी तो ये और विंस तो खैर विंस मिडिल ऑर्डर हो सकता है उनको खिलाया जाए. कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जी रॉय और स्मीड से ओपन कराएं और एहसान अली जो है वो तो छोड़ें आगे के मैच. नहीं प्रेशर ऐसा कुछ भी नहीं है. जो हमारी मैनेजमेंट बेहतर समझेगी उस हिसाब से खिलाएगी क्योंकि ये तो हमारी मैनेजमेंट का जो बेहतर समझती है वो अपने हिसाब से खिलाएं और कोई प्रेशर नहीं है इंशाल्लाह. अगर मौका मिलता है तो इंशाल्लाह जरूर परफॉर्मेंस करूंगा इंशाल्लाह. और इस प्रेशर को क्या एहसान अली इस तरह देख रहे हैं कि हेल्दी कॉम्पिटिशन विद इन द टीम हो जाएगा आपको भी ये कॉम्पिटिशन पुश करेगा अच्छा से अच्छा करने को. यू नेवर नो रॉय आते ही चलेंगे कि नहीं चलेंगे या स्मीट कंटिन्यूटी में चलेंगे कि नहीं. सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी तो है कि आपने अगर परफॉर्मेंस अच्छी करते रहेंगे तो ऑब्वियसली जगह बनाए रखेंगे. जी बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बताया था कि जब पहले मैच में खेलने आया था तो काफी प्रेशर भी था क्योंकि 1 साल बाद कमबैक हुआ था तो यही था कि पहला एक मैच मिलेगा तो उसमें क्योंकि यही मैच है आपके पास तो परफॉर्मेंस करेंगे तो खेलूंगा तो बस वही था कि प्रेशर तो हर मैच में है यहाँ पर क्योंकि आपको तो PSL है तो सारे मैच में प्रेशर तो होता ही है परफॉर्मेंस करनी. ट्विटर पे कुछ सवाल हमारे पास एहसान आपके लिए आए. I'm throwing a couple of questions to you. Dr. Faisal Qureshi कहते हैं I'm becoming your fan the way you have played fearfully and aggressively. Did you change your stance a bit as previously? यानी पहले के मुकाबले में कुछ खेलने के अंदाज में stance the way you stand and all कुछ तब्दीली की है आपने? काफी चेंज लाया है. पिछले जो स्टांस था उसमें मतलब बैट काफी अंदर से लाया करता था मैं तो मैंने बैट को बाहर रखा है फर्स्ट क्लास को अप्लाई करते हुए तो मैंने वही जो अप्लाई फर्स्ट क्लास में किया था वही अप्लाई मैं इसी टूर्नामेंट में कर रहा हूँ तो उसमें यह है कि इनस्विंग और आउटस्विंग खेलने में काफी आसानी हो जाती है. बिल्कुल. अच्छा एहसान हम कहते हैं
अक्सर कभी जब बात होती है ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की त्रिमूर्ति हैं, वो त्रिमूर्ति जो हैं वो नबील हाशमी हैं, आजम खान हैं एंड देन मुइन खान हैं। सो अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो एहसान जो है वो कितना, कौन से ज्यादा अटैच है और अपनी प्रॉब्लम्स कौन से वाली त्रिमूर्ति से शेयर करता है? अटैच मैं आजम भाई क्लब के ओनर है, उन्हीं से ज्यादा अटैच हूँ क्योंकि बचपन से मैं उन्हीं के साथ हूँ, मुझे उनके साथ मेरा ख्याल है बेटी का कुछ इशू हो गया है, बट जैसे ही वो वापस कनेक्ट करते हैं तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आजम खान का आपने नाम लिया और दिस इज सो अमेजिंग, यानी मैंने देखा है वाकई लड़कों को किस रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट, कराची की क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में आजम साहब हो गए, लाहौर में हम अतर जैदी साहब को जानते हैं और देन इस्लामाबाद पिंडी में जो है आसिफ बाजवा साहब, काफी ये इन लोगों ने कितने प्लेयर्स जो प्रोवाइड किए। एहसान हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन हो गए हैं। जी एहसान, आप कंटिन्यू करें, आजम खान की बात कर रहे थे आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 11-12 साल से मैं उनके साथ, उन्होंने 15 वर्ल्ड कप जब खेला था 2008 में वेस्ट इंडीज में, तो तब से मैं आजम भाई के साथ ही हूँ, तो मतलब के ऑल ओवर जो क्रिकेट मेरा था, जो सब कुछ उन्हीं के साथ स्टार्ट हुआ है और आज उन्हीं के साथ ही खेल रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब अदील मैं कभी कभार उनको, आजम भाई को छेड़ती हूँ ये कह के कि ये क्वेटा ग्लैडिएटर की माँ है और वाकई जिस तरह वो इन लड़कों को ट्रीट करते ना, खाना खा लिया बेटा फलाना हो गया, बिल्कुल माओं की तरह ही नहीं, नहीं, नहीं वो तो ये जो एक बॉन्डिंग बन जाती है बड़ी जबरदस्त। एक और ट्विटर पे सवाल है अदनान सिद्दीकी, हमारा हैशटैग गेम सेट मैच यूज करके आप भी सवाल पूछ सकते हैं। वो कहते हैं, व्हाट इज योर डिफाइंड रोल बाय द मैनेजमेंट एज एन ओपनर एंड व्हाट टारगेट रन्स, व्हाट हाउ मेनी रन्स डू यू टारगेट इन द पावर प्ले, कोई टारगेट लेकर चलते हैं कि पावर प्ले में इतने रन बनाने, और आपको क्या रोल दिया और स्मिथ को रोल अलग अलग दिए गए या दोनों को यह कि जी गो आफ्टर द बॉलिंग? जी उसको बिल्कुल रोल दिया गया हमें, क्योंकि हमें एक टारगेट दिया जाता है कि 66 ओवर में 45 से 50 रन होने चाहिए, अगर विकेट नहीं गिरे ज्यादा भी हो सकते हैं। जो रोल ये दिया गया कि विल स्मिथ का जो गेम है वो शॉट्स खेलने का ज्यादा है, right. तो मुझे कहा गया कि जब फर्स्ट क्लास में हम नीचे जोर से मारते हैं, जो अप्लाई जो पंचेस वगैरह करते हैं, छक्के जो हम मिलते उसके बाद मारते हैं, तो जब आपके नीचे वाला गेम है वो नीचे वाला गेम अप्लाई करें जब तक हम आपको ऑर्डर ना दिया, तो बस वही कुछ करता हूँ, नीचे वाला गेम अपना अप्लाई करता हूँ, जो शॉट्स खेलता हूँ वो शॉट्स अप्लाई करो नीचे वाले। बट एहसान अभी अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट में बात करूँ तो कौन सा ऐसा ओपनर है जिसको आप लुक फॉरवर्ड करते हैं, जिससे आप नई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी मैं अगर इधर फंस रहा हूँ तो मैं कैसे निकलूंगा, कोई ऐसा प्लेयर है, कोई ऐसा ओपनर है आपकी नजर में? ऑल ओवर या जस्ट पीएसएल के लिए? नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट में पाकिस्तानी प्लेयर। पाकिस्तानी ही तो बस रोहित शर्मा काफी पसंद है, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा फॉलो करता आया शुरू से, तो कोशिश यही होती है कि जो कभी कभी फंसता हूं तो उनको ज्यादा गौर से देखता हूं कि क्या है, तो रोहित शर्मा के गुटकी से खेलते हो, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी क्रिकेट, पाकिस्तानी ओपनर की बात हो रही है। ओके ओके सॉरी, पाकिस्तानी प्लेयर तो जी जी प्लीज कैरी ऑन। काफी हमारे पाकिस्तान लेजेंड्स काफी हैं हमारे पाकिस्तान में, जैसे कि फीज भाई थे और मोहम्मद यूसुफ वगैरह, इनको काफी देखता रहता, काफी अच्छा लगता बैटिंग। अच्छा भाई, एक ओपनर जो है ना वो इस वक्त तो छाए हुए हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे, लेकिन कल आपने उनको कंट्रोल कर लिया, हुआ है मोहम्मद रिजवान, ठीक है जी। तो जब रिजवान की विकेट सिफर पे गिरती है, जब गिरी तो एहसान के दिल में तो आया होगा 50% मैच तो हम जीत गए, ये आउट ऑफ द कोर्ट शान मसूद कहाँ से आ गए? नहीं आया तो नहीं, क्योंकि क्रिकेट थी, हमें पता था दो मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई 50 की हुई है, तो बैड लक तो हो जाता है अगले मैच में, तो पहले भी आउट हुए, लेकिन उनके बाद बैट्समैन थे उनके पास ज्यादा, मुझे डर था सोहेब मकसूद का। आप वाली बात है कि सोहेब मकसूद का सोचा बात था, शान भाई अलग करके। अच्छा वैसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा क्वेटा के अब खिलाड़ी से, अब क्योंकि अब लाइव है हम आपके साथ, वो जब शॉट खेला हमारे नसीम ने, और हमें तो स्क्रीन पर लगा के भाई मुबारक हो, मुबारकबादें शुरू हो गई घर में, जीत गया क्वेटा जीत गया, लेकिन वो अचानक वो डेविड ने और टिम डेविड ने क्या कैच पकड़ा, तो उस दौरान आपको भी ऐसा लगा था कि चलो भाई जीत गया मुबारक हो, मतलब डगआउट पे सेलिब्रेशन हो रही थी, हरा दिया यानी अनस्टॉपेबल टीम गई, कैसा लगा, क्या हुआ? नसीम ने शॉट खेला था जब गेंद हवा में जा रही थी, तो की सांस से ऊपर चल गई, सब उठ के खड़ा हो गया, कोई बैठा गया, लेकिन ये कह रहे कि उस टाइम सबके दिल में आ गया छक्का हो गया, अल्लाह करे छक्का हो, सब दुआएं करें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, उसने ऐसा कैच पकड़ा कि सब वहीं के वहीं बैठ गए। फिर तो मैच खत्म होने के बाद सैफी भाई ने क्या कहा, वो रोने तो नहीं लगा साइड पे, या उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं अगला मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, कोई हुई डीब्रीफिंग? उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा, वो बिल्कुल खामोश हो गए होंगे।
उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की फिर। एग्जैक्टली, ये दिस इज हाउ सरफराज अहमद वर्क्स, वो जो है अपने शेल में चले जाते हैं। बट एहसान, बहुत ही कोई एक ऐसा मार्जिन था इंचेस से जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच नहीं जीत सकी और मुल्तान सुल्तान जो है जिस तरह जीती है। बट फिर मैं एहसान आपसे यही पूछूंगी कि कौन सी टीम आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है इस वक्त HBL PSL 7 में? स्ट्रांग टीम, मतलब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अलावा सबसे स्ट्रांग टीम आपको कौन सी लग रही है? पहले तो कोयटा बोलूंगा, दूसरी उसके बाद मैं बोलूंगा कि मुझे लगता है लाहौर सेकंड बेस्ट है। नहीं अच्छा, क्या sorry, आपने टीम का क्या नाम बताया? कौन कराची किंग तो नहीं बोला आपने कहीं? नहीं, लाहौर अच्छा लाहौर कलंदर सबसे ज्यादा। मैंने कहा शायद कराची किंग बोल दिया, खुद कराची किंग दिल रखने के लिए अपने हम शहरियों का, चलो यार कराची किंग। हम भी अपने दिल को जो है वो थाम के बैठे हैं। मगर एहसान आपसे जो है मैं एक और बहुत जरूरी सवाल पूछूंगी, मगर वक्त ब्रेक का हो गया है, आपको सोचने का बिल्कुल मैं मौका दे रही हूँ कि शाहिद खान आफरीदी भी अब ग्लैडिएटर बन के उतरने वाले हैं मैदान पे, सो कितना इंपॉर्टेंट है उनका टीम का हिस्सा बनना और कितना मजा आएगा लाला के साथ खेलने में। बट ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एहसान से इस सवाल का जवाब दो। And welcome back to Game Set Match in conversation with Ehsaan Ali, the opening batter of Quetta Gladiator. और एहसान से मैंने जाते जाते ये पूछा था कि शाहिद खान आफरीदी would be joining Quetta Gladiators now, so Gladiator बन के वो भी मैदान पर उतरेंगे। एहसान ऑब्वियसली जब मैं बात करूँ कि जो लड़के कराची से खेलते रहे हैं, अपना पूरा करियर कराची से खेला है शाहिद, पाकिस्तान के सारे लड़के बट कराची के ज़्यादा लड़के जो है वो शाहिद खान आफरीदी के साथ खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो अब आप भी साथ खेलेंगे उनके, वैसे डोमेस्टिक में भी आमना सामना तो ऑब्वियसली हुआ होगा, सो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? हाँ बिल्कुल, उनसे खेलेंगे, एक्साइटमेंट तो है क्योंकि उम्मीद थी कि पहले मैच से हमारे साथ खेलेंगे, लेकिन जो बेहतर समझते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो वो अभी वापस आ गए तो इंशाल्लाह परसों जो मैच है तो इंशाल्लाह वो खेलेंगे, तो काफी एक्साइटमेंट और वेट ही कर रहे हैं उनका इंशाल्लाह। मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी जब वो टीम जो ज्वाइन करेगी तो इंशाल्लाह काफी 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 बेहतर होगा। अच्छा, वैसे क्वेटा ग्लैडिएटर इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत टीम है कि वहाँ पे अब खिलाड़ियों के दरमियान एक बड़ा जबरदस्त कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज जब हम रॉय और विंस का जिक्र कर रहे थे तो शाहिद भाई तो लाला उस वक्त हमारे जहन में भी नहीं थे, लाला अब ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये कॉम्बिनेशन बनाना और ये सारी चीज़ें, देखिए कुछ टीमें तो बेचारी ऐसी हैं जहाँ ऐसा कह तो रिजाल है कि पता नहीं वो 11 उनके प्रॉपर खिलाड़ी नहीं बन रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा टीम का, लेकिन यहाँ तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ तो यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस नाउ, माशाल्लाह ज़बरदस्त रीइन्फोर्समेंट आ रही है। सो एहसान, ये टीम कॉम्बिनेशन की बातें क्या ये ग्रुप में हो रही होती हैं या वो जो थिंक टैंक बना हुआ है आपका चार लोगों का वही डिसाइड कर रहा होता है ये सारी चीज़? ये जो चार लोग हमारे बस वही डिसाइड करते हैं कि हमारे प्लेइंग जो प्लेइंग 11 होती है वो क्या होती है, बस वही डिसाइड करते हैं, ना ग्रुप में डिस्कस होता है ना कुछ, क्योंकि जो होता है फिर आपको मैच में जो हमारी जो टॉस जो मीटिंग होती है ग्राउंड में जाके जो सर्कल बनाया जाता है उसी में बताया जाता है कि आज के लड़के ये खेल रहे हैं, उसके अलावा किसी को कोई आइडिया नहीं होता लड़के को या किसी को भी कि हम ये खेलने वाला है या वो खेलने वाला है। अच्छा साहब, पिछले सीजन जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही थी और आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ख़राब रही थी, इनफैक्ट जो सारे फैंस हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर को एक एटलीस्ट टॉप 4 टीम्स में, टॉप 3 टीम्स में हमेशा देखना चाहते हैं और बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। सो जब थिंक टैंक वापस साथ बैठा जब इस सीज़न के लिए, तो क्या बार बार उस परफॉर्मेंसेस को रिपीट किया गया या बात की गई कि जी वहाँ से क्या सीखोगे, वहाँ से क्या गलतियाँ सीख कर आगे आना है, इस तरह की कोई बहुत थरो किस्म की मीटिंग हुई जो कि पूरी टीम के साथ हुई? नहीं, अभी तक तो उसके बारे में खास मीटिंग कोई भी नहीं हुई, लेकिन जो क्योंकि पिछले साल सब वो बात को भुला चुके हैं और अभी नया स्टार्टअप है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबने जो मीटिंग में बात हुई तो इस बार चैंपियन बनने का सबने प्लान किया, और सब जो मीटिंग में भी कहा जाता है कि जो पीछे हो गया सबको भूल जाया जाए और जो भी मैचेस आने वाले हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको जीत कर टॉप 4 में क्वालिफाई करें सबसे पहले तो, और इंशाल्लाह जैसे हमारी टीम है शाहिद भाई के आने से और जो दूसरे ओपनर्स मेरे साथ आ रहे हैं तो उनके आने से काफ़ी फर्क पड़ने वाला है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले मैच जीत के अपनी टीम आगे क्वालिफाई करवाएंगे इंशाल्लाह। एहसान, अभी तक PSL में कौन से बॉलर को फेस करते हुए दिक्कत पेश आई आपको, लगा हो कि यार ये बंदा सही बॉलिंग कर रहा है और एहतियात से खेलना है इसको? अभी तक तो खुजल शाही था,
खुशदिल शाह था कल के मैच में। वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे खुशदिल आके ओपनिंग अटैक करवाएंगे उनसे, या ये अगेन आउट ऑफ द कोर्स चीज आ गई है? वही समझे कि जब उसने फर्स्ट बॉल किया तो काफी ब्रेक हुआ था पिच पे, तो मैं हैरान था कि उनके पहले भी काफी बार खेला है मैंने, लेकिन कभी इतने मुश्किल लेगेंड से मुश्किल कर लग रहे थे वो। ओके, बिल्कुल, मतलब ये कि जिस तरह खुशदिल शाह फ्लरिश कर रहे हैं, आई वुड से अंडर मोहम्मद रिजवान, वो एक खास डिफरेंस जो हम बाहर से बैठे देख रहे हैं उनको भी फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको भी ग्राउंड में फील हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो काफी दिनों बाद में खेल रहा था और पिच भी ऐसा उनको सूट कर रहा था, तो वो सर्कल में उन्होंने काफी अच्छे ओवर्स किए मेरे ख्याल में, वो भी काफी हमारे लिए प्रेशर और टर्निंग पॉइंट था थोड़ा बहुत। टर्निंग पॉइंट की जिस तरह एहसान ने बात की है, ऐसा टर्निंग पॉइंट ग्लैडिएटर्स का क्या था, कहां से आपको लगता है कि ग्लैडिएटर्स के, वो तो ठीक है नसीम का वो कैच तो वो तो बिल्कुल एंड पे आ गई बात, बट उस एंड तक भी जो बात आई वो क्यों आई, कहां पे आपको लगता है कि रस्सी ढीली हो गई थी हाथ से? इफ्तिखार भाई के आउट होने पे, इफ्तिखार भाई मैं खेले वहां खड़े रहते तो मैं खेले वो 7-8 बॉले पहले फिनिश कर चुके होते हैं मैच को, तो वो मैं समझता हूं टर्निंग पॉइंट था हमारे मैच। बिल्कुल डेफिनेटली, इफ्तिखार जब नेट्स पे होते हैं, इफ्तिखार जब नेट्स पे होते हैं तो क्या बस छक्का छक्का यही प्रैक्टिस चल रही होती है या कोई कुछ, क्या व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम इफ्तिखार जो भी है तो आपसे उम्र में शायद ऑफिशियली 1-2 साल का ही शायद डिफरेंस है ऑफिशियल उम्रों में, लेकिन मेरे ख्याल से काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, सो एहसान क्या सीख रहे हैं इफ्तिखार से टीम में स्क्वाड में होने में? उनसे सीखने को ये मिलता है, जैसे वो नेट पे बारी करते हैं नेट पे वो नॉर्मल बारी करते हैं अपनी, जो अपनी हिटिंग करनी होती है तो हमारे वो एक हमारे साइड आर्म से करवाने वाले लियाकत भाई हैं, तो उनको अपने साथ लेके चले जाते हैं नॉकिंग के लिए, तो वो अपने अलग से नेट बना होता है हमारे नॉकिंग के लिए, तो वहाँ अपनी हिटिंग की प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये है कि वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनके बैलेंस देखता हूँ, उनकी पावर देखता हूँ, तो कोशिश ये करते हैं कि वो डबल ग्राउंड पार करने की कोशिश करते हैं हिट में अपनी, तो इसलिए उनकी हिटिंग में काफ़ी मज़ा आता है देखने को। वैसे ये एक ऐसी टिप है जो कि आई बिलीव विराट कोहली ने जो है वो हमारे एक खिलाड़ी को दी थी कि बिल्कुल नेट्स में जो है वो इस तरह बैटिंग करें जिस तरह आप मैच में बैटिंग करते हैं। सो एहसान अब आपने भी वो चीज़ शुरू कर दी, अप्लाई करना शुरू कर दिया आपने यही चीज़? जी जी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि पहले होता क्या था कि नेट में बिना नॉर्मल आउट हो जाया करते थे, मतलब बिना डर के बारी किया करते थे कि जो मैच में होता है होना नहीं होता था, कोशिश यही होती है कि जो मैच में होना है उसी को देख के अप्लाई करो नेट पे, और माशाल्लाह जब से अप्लाई किया है फर्स्ट क्लास से लेके हर जगह में, तो माशाल्लाह काफी फायदा हुआ इस चीज़ का, क्योंकि आउट होने का फिर दिल नहीं करता तो बंदा फिर खेलता ज्यादा से ज्यादा खेलने की कोशिश करता। बिल्कुल, और जब प्लेयर का क्रीज पे खड़े रहने का दिल कर रहा हो तो फिर तो जाहिर सी बात है वो कॉशियस होके भी खेलता है बट तेज भी खेलने की कोशिश करता है। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एहसान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि आपकी वजह से आपकी टीम को और बहुत सारी फतवात मिले, एंड गुड लक टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड गुड लक टू यू। थैंक यू एंड गुड लक टू एहसान इन द सेंस दैट ही कैन रिप्रेजेंट एंड प्ले फॉर पाकिस्तान, और एहसान ने खुद ये बात मानी है कि उन्होंने खेलने का स्टाइल चेंज किया है टू अकोमोडेट हिमसेल्फ इन PSL, सो लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह करे पाकिस्तान को भी जो है वो रिप्रेजेंट करें आगे चलकर। अदील, विच मींस इट्स नेवर टू लेट कि आप अपने आप की अपनी अमेंडमेंट्स करें, आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो आपके सिनेरियो की रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से अमेंडमेंट्स करें, और अमेंड किया एहसान ने और वो बिल्कुल दिख रहा है। बट इस वक्त जो है हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, दो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम जो कि डेटा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं HBL PSL 7 के हिसाब से। सो देखते हैं कि कैसा आज का मुकाबला होगा, थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे आफ्टर से। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से खुश आमदीद, ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी एहसान से और एहसान अली दी ओपनिंग बैटर ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और बड़ी बहुत क्लैरिटी है उनकी बातचीत करने में डिस्कशन में, और मुझे लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर की जो टीम है ना बड़ी इट्स मोर लाइक अ फैमिली, और अब ज्यादातर जो फ्रेंचाइजेज अदील वो लगता है ऐसी है कि एक फैमिली का एक कोर ग्रुप बना हुआ है, उस कोर ग्रुप में कुछ मेहमान आते जाते रहते हैं बट वो एक कोर ग्रुप है जो कि सामने दिखता है। नहीं देखिए, एक तो पहले तो एहसान की अगर बात करें, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू एहसान, और बस एक मेच्योरिटी नजर आई उनमें, एंड आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी टैलेंटेड गाय, जिन लोगों ने साथ क्रिकेट खेली है वो बताते हैं सुपर टैलेंटेड, बट लेट्स होप कि पाकिस्तान के ये किसी काम आ सकें, अपनी फ्रेंचाइज को तो जताएं। जहाँ तक क्वेटा ग्लैडिएटर का ताल्लुक है, मेरा ख्याल से शायद जितने इमोशंस इस फ्रेंचाइज के साथ अटैच हुए ना,
अगर आपको याद हो, ओनर फैमिली की एक बच्ची होती थी जो बैल्कनी में हुआ करती थी, एंड शी यूज टू रिएक्ट टू एवरीथिंग. ये दुबई में जब हुआ करता था, कोई ग्लैडिएटर कुछ भी कर रहा है, वो रो रही है, वो हंस रही है, एंड ऑल. आई थिंक नदीम फील्ड पे खेल रही होती थी और एक टीम जो है ना वो पूरी उनकी फैमिली हुआ करती थी, एंड ऑल. फिर जो विव रिचर्ड्स का जो इमोशंस वाला एलिमेंट, जो हम उस्मान से भी उस दिन जिक्र कर रहे थे कि उनकी आंखों में नमी है. और क्वेटा ग्लैडिएटर बड़ी एक स्वीट सी फ्रेंचाइज है, क्योंकि क्वेटा एक तो है हमारा बड़ा प्यारा सा और बड़ा छोटा सा शहर है, और उस शहर की ये फ्रेंचाइज जो है, तो मेरा ये ख्याल है कि इनका जो एक लेवल ऑफ अटैचमेंट है विद देयर फैंस इज एंटायरली डिफरेंट. इज वेरी इमोशनल. का हाथ सूज जाता था तालियां मार मार के विव रिचर्ड्स के साथ. अब आप देखिए, जब आप डग आउट में होते थे ना, और ऐसी अब आप सर विव का हाथ तो वैसे ही, मतलब मैं अगर पीछे जाऊं और फ्लैशबैक पे जाऊं तो अभी वो ग्लैडिएटर बने, बट वेन ही यूज टू बैट, मतलब जब वो आते थे फील्ड में सर विव रिचर्ड्स, उसी वक्त लगता था कोई ग्लैडिएटर आया, यानी आधा मैच तो टीम वहीं जीत जाती थी ना. सो ये जो एक इमोशनल बॉन्डिंग हम जनरली ओनर्स की देख रहे हैं, आई थिंक वो एक्सट्रीम में जो है किसी फ्रेंचाइज में अगर है तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर. जो लोग नदीम उमर साहब से मिले भी हैं उनको भी इस बात का अंदाजा है कि सब सारे ओनर्स बहुत नफीस हैं, लेकिन वो बड़े ही फ्रेंडली से आदमी हैं. और जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दैट ही हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन कराची. केसीसीए से भी वाबस्ता हैं और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं क्रिकेट कराची की, क्रिकेट की नब्स पे जो है ना वो उनका हाथ है. उनका अपना क्लब, देन उमर एसोसिएट्स, एब्सोल्युटली बहुत डोमेस्टिक सर्किट में जो है बहुत सारे लड़के ऐसे, मतलब इफ यू टॉक अबाउट सरफराज अहमद, सो आई हैव सीन छोटा सा सरफराज अहमद मूविंग अराउंड विद आजम खान ऑन हिज बाइक, और जिस तरह आजम भाई ने सपोर्ट किया है सरफराज को, एंड मैं ऐसी ही नहीं कहती कि आजम खान इज द मदर ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर इसी वजह से, बिकॉज जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया इन लड़कों को. बट नाउ टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान, मतलब टेबल टॉपर्स का जो है ये मुकाबला हो रहा है. फर्स्ट पोजीशन पे मुल्तान सुल्तान एंड सेकंड पोजीशन पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट फर्क ये है कि मुल्तान सुल्तान ने तीन मैचेस खेल के तीनों जीत लिए हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो अभी सिर्फ एक मैच खेला, और वो इस एक मैच में जो है बड़ी कन्विंसिंगली जो है वो जीत हासिल की. बट टॉकिंग अबाउट द हेड टू हेड, जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले हुई तो तब क्या क्या हुआ. सो नौ मैचेस इन दोनों टीम्स ने जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खेले हैं, जिसमें से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पांच जीते हैं एंड मुल्तान सुल्तान ने चार जीते हैं. बट फिर अदील, ये वो मुल्तान सुल्तान नहीं रही जो कि पहले थी. शुरू के दो सीजन्स ओनर्स चेंज थे, बड़ी कंफ्यूज सी स्कैटर्ड सी स्ट्रैटेजीज दिखती थी, एंड देन एकदम से टर्न अराउंड हुआ, ओनर्स बदले, मैनेजमेंट बदली, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई. And this composed Multan Sultan, the defending champion, is today here with Islamabad. Absolutely. I don't think कि पिछले PSL से पहले तक Multan Sultan को कोई बहुत ही ज़्यादा intense rival समझा करता था. वो काफ़ी एक walkover वाली team. बल्कि अगर हम पिछला PSL भी देखते हैं तो उसका जो पाकिस्तान वाला leg था, Multan Sultan was right there at the bottom. लेकिन अबू धाबी में कुछ some magic worked for them. और द टीम एक साथ जेल्ड इन टुगेदर प्रीटी वेल, और फिर इवेंचुअली दे वेंट ऑन टू विन, दे द डिफेंडिंग चैंपियन. लेकिन एक बात याद रहे जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, यस दे वेरी गुड. पहला मैच जिस मैं ये कहूँगा कि बेहंगम अंदाज से वो जीते, दे हैव गॉट एन एब्सोल्युटली अमेजिंग नेट रन रेट, 2.46 के वो नेट रन रेट पे बैठे हुए. इसका मतलब ये कि आज अगर वो उस बेहंगम अंदाज से नहीं हारते और आज अगर वो मैच हार जाते हैं, दे विल स्टिल रिमेन एट नंबर टू ऑन द टेबल. एंड मुल्तान सुल्तान अगर आज का मैच जीत जाती है, चार मैचेस चार जीत के 8 points, इसका मतलब ये कि इट वुड टेक अ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय देम इन लाहौर लेग उनको पहुंचने से रोकने के लिए इन द क्वालिफिकेशन राउंड, जो आपका नॉकआउट का मरहला कह सकते हैं या आप सेकेंड राउंड कह सकते हैं उसको. इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि टूर्नामेंट अभी अपने पहले हफ्ते में ही है और एक टीम अभी बिल्कुल तैयार होकर बैठ गई है टू रीच द नॉकआउट स्टेज. ब्रिलियंट बाय मुल्तान सुल्तान. तभी हमारे एक से सवाल पूछते हैं कि भाई इस टीम को रोकना कैसे, ये तो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज समबडी टेक्स द इनिशिएटिव एंड डज वेल फॉर द टीम. डेफिनेटली. और अदील, जिस तरह आपने वो डिफरेंस बताया कि पिछले PSL में जब तक पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे, वहां से एक चेंज जो सबसे मेजर चेंज आया वो कैप्टनसी का चेंज आया. इफ यू टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान राइट नाउ, आई बिलीव अगर मैं 6 की 6 फ्रेंचाइज उठाऊं, so no offense to anyone, but Mohammad Rizwan has been the best captain up till now. वो इस वजह से कि under him आपको शान मसूद बहुत अच्छी performance करते हुए दिख रहे हैं, under him खुशदिल शाह is entirely a different player and not just a bowler, and जिस तरह all round performance खुशदिल शाह की तरफ से आ रही है, एंड द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दे हैव ऑन द फील्ड, ठीक है वो इतनी हमें समझ नहीं आती क्योंकि पश्तो में ज़्यादातर वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, इवन देन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही इज गिविंग, हैट्स ऑफ टू मोहम्मद रिजवान. और कल जिस तरह ये मैच, अगर मैं कहूँ कि किस तरह मुल्तान सुल्तान क्वेटा ग्लैडिएटर से जीती,
तो कहीं कहीं अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स का की गलती थी, बट मुल्तान सुल्तान की स्ट्रैटेजी एंड जिस तरह दे बोलर विली ही वॉज बोलिंग एंड जिस तरह फील्ड प्लेसमेंट एकदम से मोहम्मद रिजवान ने चेंज की है और वहाँ कैच हुआ, इट वॉज अमेजिंग कि इतने बहुत ही कैलकुलेटेड। सवेरा मैं यही बोलूंगा कि पता नहीं रिजवान कुड सी द फ्यूचर और व्हाट, बिकॉज डेविड विली जो हैं वो लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए थे और उस आखिरी गेंद से पहले उनको उन्होंने मिड विकेट पर पहुंचाया। पता नहीं क्या रिजवान को क्या पता था कि वहां पे कैच आने वाला है। नहीं, मैं कुछ और स्टैट्स देख रहा था इस वक्त। इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर और हाईएस्ट रन स्कोरर दोनों मुल्तान सुल्तान के हैं। इमरान ताहिर ने 7 विकेटें हासिल की हैं। सुशांत मसूद 197 रन के साथ जो है वो सर फहरिस्त हैं। फ़खर जमान, एहसान अली, स्मीड एंड देन मोहम्मद रिजवान, और रिजवान की एक सिफर एक डक वाली इनिंग भी शामिल है। अगर वो कल स्कोर कर दे रहे तो शायद वो टॉप 2 और 3 में। सो नंबर 3 जो बॉलर हैं इस वक्त वो भी मुल्तान सुल्तान के ही हैं, खुशदिल शाह। सो दे आर डोमिनेटिंग द स्टैट्स ऑलरेडी, आई मीन। और ये दो स्पिनर्स यहाँ पे जो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। कराची की विकेटों पे थोड़ी सी विकेट स्लो होती है और फिर इमरान ताहिर आपकी टीम में हो, खुशदिल आपकी टीम में हो, खेलना बढ़ जाता है। तो स्टैट्स आर बीइंग डोमिनेटेड बाय मुल्तान सुल्तान राइट नाउ, दे आर डोमिनेटिंग द टेबल। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड का जहाँ तक ताल्लुक है, हम शादाब हमें बता रहे थे कि जी उनको काफ़ी स्टैट्स वगैरह देखते हैं, मैच से पहले पूछते हैं किसका क्या। तो उनके जितने भी स्टैट्स की गेम है ना, वो आज इनको चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज दे विल हैव टू पिक अप द वीक पॉइंट्स। अदरवाइज अब मुल्तान सुल्तान को रोकते हुए इस वक्त फिलहाल तो मुश्किल ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह कल भी परफॉर्मेंस की है, जिस तरह वो ट्रेंड चेंज करने में कामयाब हुए कि नहीं जी बैटिंग फर्स्ट साइड भी जीत सकती है अगर तो आप ऑन स्पॉट फील्डिंग रहे, आपकी बॉलिंग अच्छी हो, आप टारगेट उस हिसाब से सेट करें कि मेरे बॉलर्स कितना टारगेट डिफेंड कर सकते हैं right. तो डेफिनेटली फर्स्ट बैटिंग साइड भी जीत सकती है। बट टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, आपको लगता है अदील के अब जब इस लेग के बाद, शुरू के 5 मैचेस के बाद जो है स्टर्लिंग वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, थोड़ा सा अगर आपका कॉम्बिनेशन एक सेट हो रहा होता है और उसके बाद एकदम से आपको कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ता है, वो थोड़ा सा हिकअप आता है एक टीम? देखिए हिकअप आता है, मैं पर्सनली T20 क्रिकेट को थोड़ा सा इस हवाले से मुख्तलिफ समझता हूँ, जो मेरी दानिश के हवाले से। टेस्ट में और वनडे में क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम होते हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई एम नॉट सेइंग T20 में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन T20 के कॉम्बिनेशंस काफ़ी फ्लूइड होते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए देखा था, वो हेजिटेट नहीं करते थे अपने किसी भी खिलाड़ी को रोटेट करने के हवाले से, इसको इस मैच में बैठाओ और दूसरे को खिलाकर लेकर आओ और इस तरह करना। सो यस, स्टर्लिंग का जाना विल बी अ चैलेंज, बिकॉज स्टर्लिंग ने जिस तरह आगाज़ किया, आज दूसरी इनिंग वो खेलेंगे, आज देखते हैं कि क्या वो जो रेपुटेशन बिल्ड करने में ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं। जैसे कल शादाब बता रहे थे दैट ही वॉज द प्लेयर ऑफ द डेकेड आयरलैंड के, तो क्या वो आज अपनी इस कारकर्दगी को जारी रखने में कामयाब होते हैं? बट यस, इट विल बी अ लॉस फॉर देम। री स्टॉपली इज़ ऑल्सो नॉट कमिंग, क्योंकि उन्होंने टीम ज्वाइन नहीं की थी, तो वो भी एक बैड न्यूज़ है। और वैसे टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स नॉट कमिंग, काफ़ी सारे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स आर नॉट कमिंग, बिकॉज वो इंडिया के दौरे में के लिए जो टीम अनाउंस की गई है उसमें आई थिंक 3 वेस्ट इंडियंस आर नॉट कमिंग, विच इज़ ऑफकोर्स नॉट गुड फॉर PSL, बट हमें तो इन्जॉय करना है टूर्नामेंट ना। बिल्कुल, और PSL जिस तरह चल रही है, जिस तरह हमें नेल बाइटिंग फिनिशेस दिख रहे हैं, जिस तरह एक्साइटिंग मैचेस दिख रहे हैं, इतने मज़े मज़े के मैचेस ऊपर तले हो रहे हैं, तो PSL चलती रहेगी उसी तरह जिस तरह इतने टाइम से वो चल रही है। अब आके जो है पाकिस्तान में खेली गई है पाकिस्तान सुपर लीग इन लास्ट फ्यू इयर्स, वरना एक दूसरे मुल्क में शुरू होना लीग right. का दूसरे मुल्क में शुरू होके सक्सेसफुल होना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बट देन जब हम स्टर्लिंग की बात करें तो फिर मैं एक वो कहते हैं ना खरा सवाल एक आपसे पूछना चाहती हूँ, उसका खरा जवाब चाहिए। शर्जील की फिटनेस पे इतनी बात करते हैं, क्यों स्टर्लिंग की फिटनेस पे लोग क्रिटिसाइज नहीं करते? शर्जील हमारा है, लोकल आदमी है, इस वजह से उसके हवाले से घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे तो पता, देखें शर्जील का ना मुझे थोड़ा सा, मैं अगर मैं बिल्कुल ओपन और खुल के बात करूँ, हमारे सारे के सारे जो ईमानदारी और सारी चीज़ों के मेयारात हम शर्जील पे अप्लाई करके देखते हैं, ये नहीं देखते कि यार किन लोगों को हम ला के अपने ऊपर बिठाते हैं। वो कोई बात नहीं होती, शर्जील के इल्ज़ामात हैं, ये हैं, फलाना है, यार हो गया ना, उसने अपनी सजा भुगत ली है। बिल्कुल, शर्जील इज अ प्लेयर विद एक्स फैक्टर, और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो वी ऑल लव बाबर आजम, बट कराची की टीम का ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर शर्जील है। इस वक्त दिख रहा है, इस वक्त बिल्कुल शर्जील की इंपॉर्टेंस दिख रही है। जल्दी से सिंगल लाइनर, योर टीम टुडे मुल्तान सुल्तान इज विनिंग।
ओहो बिल्कुल मुल्तान सुल्तान बगैर कुछ सोचे हुए अदील ने बिल्कुल डायरेक्ट ये कह दिया मुल्तान सुल्तान इज विनिंग। बट मुझे लगता है कि किसी दिन तो बुरा वक्त आता है किसी भी टीम का, सो इस्लामाबाद यूनाइटेड विल बी माय टीम, सो देखते हैं कौन जीतता है आज का ये मुकाबला। बट थैंक्स अ लॉट, गेम सेट मैच का टाइम यहाँ खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।